मेहता का उल्टा चश्मा। मैं पार्टी को लेकर निकल ही रहा हूँ, अब बस आप एग्रीमेंट तैयार करवाइए, मैं पार्टी को लेकर पहुँचता ही हूँ। पापू जी, हाँ, आपको सच में दादाजी का सपना आया था? सच में सपना आया? खाया मेरी कसम। अरे इसमें क्या कसम खाना जेठ यार? आप कसम नहीं खा रहे इसका मतलब आप सच में झूठ बोल रहे। मुझे जमीन नहीं बेचनी है। थैली चाहिए तुझे? ये ले। मैं जमीन के पेपर नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। देखिए कुछ तो कारण होगा, तभी ऊपर वाले ने हमें मिलाया है। चलिए मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। वो मेनू भी। जो भी हो आप मुझे सोच के बताइए, आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब इस डील को लॉक करते हैं। ठीक है सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। ठीक है रखता हूँ। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे, ये लाइन तो जानी पहचानी लगती है बिरू। अरे बिल्कुल, मतलब सुंदर ये तेरी पार्टी कौन है? अरे बहुत बड़ी पार्टी है माय डियर जीजा जी। अरे मैं उसके साइज नहीं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। कोई नाम तो होगा ना उसका? नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मैं पार्टी का नाम नहीं बता सकता। पार्टी ने मुझे साफ मना किया है कि जब तक सौदा नहीं हो जाता पार्टी को मेरा नाम मत बताना। क्यों? अरे क्यों क्या, बाजार में हवा फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि यह पार्टी खरीदार है, तो दलाल लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे और पार्टी को परेशान कर देगी। माय डियर जीजा जी, ये पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत बिजी है। क्या उसका धंधा क्या है? अरे उनका तो बहुत सारे धंधे। अच्छा, होटल का भी बिजनेस है? हाँ होटल का भी बिजनेस है। वो रॉयल होटल का मालिक तो नहीं है? माय डियर जीजा जी, उसकी होटल का नाम तो मुझे पता नहीं है। सही जा रहे हो जेठापुरा, सही जा रहे हो। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे, ये स्लोगन तो उसी बंदे का है। बिल्कुल उसी का ही है। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। सुंदर, तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ भोगीलाल है। भोगीलाल? भोगीलाल? हाँ वही निकला, मतलब जेठालाल वही निकला। अरे काय काय खोटाड़ा मानूस है, एक कमाल का गिरगिट बंदा है यार। अरे गिरगिट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये भोगीलाल इतना झूठा है। जीजा जी आप जानते हो उसे? अरे अरे जीजा जी क्या, हम दोनों जानते हैं उसे। एक नंबर का पाखंडी निकला। क्या? ये वही भोगीलाल है सुंदर, जिसने मुझे 50 लाख का चूना लगाया है। What? अरे माय डियर जीजा जी, भोगीलाल नाम के तो हजारों लोग होते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये वही भोगीलाल है? और मेरी पार्टी तो नेक और दरिया दिल है, लोगों को सामने से बुला बुला कर पैसा देती है। मैंने अपनी आज तक की करियर में ऐसा सज्जन इंसान देखा नहीं है। तू कुछ भी बोल सुंदर, तेरा भोगीलाल और मेरा भोगीलाल दोनों एक ही है। हाँ और दोनों भोगीलाल की आवाज सेम टू सेम है। अरे दोनों की मतलब वो एक ही व्यक्ति तो होगी ना, सेम टू सेम। हाँ यार। अरे आवाज तो कई लोगों की मिलती जुलती होती है। मेरा एक दोस्त है, उसकी आवाज माय डियर बेना से मिलती जुलती है। बोलो। अरे लेकिन सुंदरलाल, भगवान भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे, ऐसा बोलने की आदत सिर्फ भोगीलाल को ही है। अरे भगवान सबका भला करे ऐसा बोलने की आदत तो बहुत लोगों की होती है। देखिए माय डियर जीजा जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरी पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती। जेठालाल
तुम 100% श्योर हो कि ये आदमी भोगीलाल ही है? वही वाला भोगीलाल? हाँ पक्का पक्का मेहता साहब, मुझे पक्का यकीन है ये वही भोगीलाल है। एक काम करता ना सुंदर, तू उसको फोन लगा, उसको बोल कि पार्टी अभी जमीन बेचने को रेडी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ठीक है, फोन स्पीकर पे रखना। क्या है, सबको पता चल जाए ना। लगा लगा फोन लगा। देखो जीजा जी, आपके कहने पे मैं फोन लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा वाला भोगीलाल आपके वाला भोगीलाल नहीं निकला तो आपको सच में जमीन बेचनी पड़ेगी। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी, तू फोन लगा ना भाई, फोन लगा। हाँ सुंदर। हाँ सर, आपकी ऑफर पे पार्टी जमीन बेचने के लिए राजी हो गई है। अरे वाह सुंदर, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। उसे पूछ उसके पिताजी मणिलाल कैसे हैं। सर आपके पिताजी मणिलाल जी कैसे हैं? वो तो अब नहीं रहे। ये हुई, 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 यस, यस, हुई, हुई, हुई। ये आवाज कैसी? जीजा जी, वो फिल्म चल रही है जानलेवा। जीजा जी आवाज को आवाज बंद करो थोड़ा उसका। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा 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 सुंदर, तुम मेरे स्वर्गीय पिताजी को कैसे जानते हो? बचाओ में उनको सब जानते हैं ना। क्या बचाओ से तुम्हारा क्या संबंध? वो क्या है कि मैं जमीन के सिलसिले में पूरे देश में घूमता रहता हूँ ना, तो मैं बचाओ भी गया था, तो बचाओ में मैंने आपके पिताजी का नाम सुना, और बचाओ में तो वो बहुत नामचीन है ना। हाँ वो तो है बाबूजी। उसका पूछ, वो रॉयल होटल बेचनी है। अच्छा सर, मैंने सुना है आपको आपका रॉयल होटल बेचना है। नहीं नहीं, मुझे बेचनी बेचनी कुछ नहीं है, वो सब अफवाह है। मुझे कुछ बेचना बेचना नहीं है। सुंदर तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने सारे काम चुपचाप करता हूँ। तो तुमने मुंबई में इस सौदे के बारे में किसी को बताया तो नहीं है? अगर बताया है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। हाँ नहीं नहीं सर, पार्टी के सिवा किसी को नहीं पता है। सौदा पक्का है ना? हाँ पक्का है। हाँ तो सुंदर, जब लिखान करार करेंगे तो 50 लाख रुपए उसी समय ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। तुमने प्रॉपर्टी के पेपर चेक तो किए है ना? टाइटल क्लियर है ना? अरे हाँ देख लिए मैंने, सब चेक कर लिया है, सब क्लियर है। अरे मैंने 7 बार का उतारा भी देख लिया है, एकदम बराबर है। अरे मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ऐसी जमीन आपको नहीं मिलेगी, ये जमीन तो सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। हाँ हाँ मुझे पता है वो जमीन सोने का टुकड़ा है, इसीलिए तो सौदा इतना जल्दी कर रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े से करना रहता है। हाँ तो सर बाद में फोन करता। हाँ तो सर, ये मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, तो मैं चार्ज करके 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ। हाँ जल्दी फोन करना है। हाँ बस अभी तो यकीन हो गया ना कि मेरा भोगीलाल ही तेरा भोगीलाल है। हाँ जीजा जी, देखा देखा बापू जी देखा, ये भोगीलाल लोगों के पैसे हड़प के जमीन पे जमीन खरीद रहा है, बदमाश कहीं का। उसके पास करोड़ों रुपए है और मुझे कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसके जैसा लुच्चा लंपट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ओए ढोंगी फरेबी और बेईमान निकला भाई तक है। अरे क्या नाटक किया था ऑफिस ने इसके हमारे सामने, तो बोला कोरोना में लुट गया, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और इसके लिए मैं अपनी FD तोड़ने के लिए निकला था।
ऊपर सब बोलता है भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। अरे ऐसा झूठे इंसानों का भगवान कभी भला नहीं करता। भगत क्या है नो, अपनी बात मनवाने के लिए ये पापी इतना नीचे गिर गया कि उसने अपने बेटे की झूठी कसम खा ली। बोलो क्या, अपने बेटे की झूठी कसम खा ली? बोलो ऐसा कौन इंसान करता है? ओ, कैसा इंसान है? अरे माधवी भाभी ये इंसान नहीं है, इंसान के नाम पे धब्बा है। खरे खरे कोमल भाभी आवो मानस तो धरती पर बोझ है। थैंक गॉड जेठा जी के उसका असली चेहरा आपके सामने आ गया। सुंदर मामा थैंक यू सो मच। क्यों मामा को थैंक यू क्यों? पापा सुंदर मामा की वजह से तो उसका भांडा फूटा है। लेकिन दुनिया के सामने उसका भांडा फोड़ना अभी बाकी है। ऐसे होने के बावजूद भी दिवालिया होने का नाटक रच के लोगों के लाखों रुपए हड़प करके बैठा है बदमाश। सुंदर भाई ये तो आपसे भी आगे निकला। सीखना पड़ेगा इससे। अरे चुप था उन्हें चंगू मंगू बंद था। कैसा बेशर्म आदमी है, लोगों के पैसे नहीं चुका रहा है और करोड़ों की जमीन खरीद रहा है। देखो अरे इसने तो कोरोना के टाइम में बचाव में करोड़ों के 3-4 प्लॉट खरीदे। बोलो बोलो और मैं 10,000 देके आया उसको। सुंदर लाल उसकी असलियत के बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला? हाँ अरे हाथी भाई आ तो एकदम पैक आइटम निकली। यह चुपचाप डील कर देता है और जमीन अपने परिवार के सदस्य के नाम पर ही लेता है। अरे कोई काम कितना भी चुपचाप क्यों ना करे किसी को पता ना चले, लेकिन एक ऊपर बैठा है जिसे सब पता चलता है, वो भगवान सब देख रहा होगा। किसी की मेहनत का पैसा अगर खाएगा तो माफ नहीं करेगा भगवान। भगवान ना सबके कर्मों का हिसाब रखता है और समय आने पर अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अरे उसका समय तो अब आ गया है। जेठिया उसे छोड़ना मत, पूरी दुनिया के सामने उसकी नाक काट देना। भोगी लाल की असलियत बचाओ के बच्चे बच्चे को पता चलनी चाहिए। झूठा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। दादाजी मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि उसे पेड़ पे उल्टा लटका के पंचिंग बैग बना के मुक्केबाजी करूं। और मत। ओए टप्पू पुत्र तेरा हो जाने के बाद तू उसे मेरे हवाले कर देना, मैं उसकी गर्दन दबोच लूंगा, उसे टूटे टूटे करके ना मैं उसका कुछ ऊपर बना देना। मैं तो उसके ऊपर बैठ ही जाऊंगा। मैं भी। ए पापड़ तोड़ बंद थाने बंद था। वैसे तो मैं हिंसा के खिलाफ हूँ लेकिन जब भी वो मेरे सामने आएगा ना काना खाली संकन वाज उड़ा रहे चामी। हाँ सगड़े जाऊं त्याचा काना खाली ऑर्केस्ट्रा वाजवू ऑर्केस्ट्रा ठक 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 ठक। हाँ जीजाजी मैं आपके साथ हूँ, उसके पास से आपकी एक एक पाई वसूलेंगे। चलो जेठा भाई अगर उसने आपका पैसा नहीं दिया ना तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चलो 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 रुको मुझे आप लोगों को कुछ बोलना है? नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, एक बार हम जाके आए ना बात में जो बोलना है बोलना। अरे नहीं जाना है यही बोलना है जेठालाल। क्यों क्यों क्या जेठालाल, इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। क्यों हम सब लोग भोगीलाल के दफ्तर में जाके धमाल करेंगे या उसे कुटाई कर देंगे, उससे तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं आ जाएंगे ना, उल्टा मामला पुलिस में चला जाएगा कोर्ट में चला जाएगा। हमें भोगीलाल से पैसे निकलवाने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं तो उसकी बात बराबर है। जेठिया तू कुछ ऐसा सोच कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना दे। बिल्कुल चाचा जी आपको सांप क्यों मारना है?
अय्यर चाचा जी कहावत बोल रहे हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारा काम हो जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। हाँ। अय्यर भाई सच में आपको ये कहावत के बारे में पता नहीं था? हाँ नहीं पता है, जयडलाल पता होता तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी पूछता। आपको भरोसा नहीं? नहीं 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 अय्यर, मुझे भी लगा जिस वक्त तुमने मुझसे पूछा इस कहावत का अर्थ, तो मुझे भी लगा इतनी कॉमन कहावत है, इतना प्रयोग करते हैं हम लोग, रोज बोलते हैं, और तुम इसका अर्थ पूछ रहे हो। ठीक है भाई, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अरे फिर एक कहावत बोली आपने, फिर से पूछेंगे इसका मतलब क्या? ए जो समा आपने जले उसको बुझा दो, मेहता साहब बुझा दो समा। अरे जेठालाल मैंने क्षमा नहीं कहा है, मैंने क्षमा कहा है, क्षमा क्ष क्ष। अच्छा वो सब छोड़ो अभी और सोचो, कुछ आइडिया सोचो अभी क्या करें। एक उपाय है। हाँ एक काम हो सकता है, जैसा सुंदरलाल ने बताया हमें कि उसने कोरोना काल में बहुत सारी जमीनें खरीदी है। हाँ। तो हम एक काम करते हैं, हम डिटेल निकलवाते हैं कि कोरोना काल में भोगीलाल ने कितनी जमीनें खरीदी, तो हम ये साबित कर देंगे कि उसने करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी है लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं चुका, इस तरह से हम उसका भांडा फोड़ देंगे। हाँ। अरे मेहता साहब ऐसा करने में तो 3-4 दिन निकल जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हाँ। अरे पार्टी जमीन खरीदने के लिए उतावली हो रही है, अभी उसका फोन आता ही होगा। हाँ हाँ मेहता साहब जल्दी कुछ सोचिए। जल्दी मतलब तुम्हें लेट हो रहा है, कहीं जाना है? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। अबे तो तुम क्यों कह रहे हो कि जल्दी सोचिए? अभी सुंदर ने बोला ना भाई हमारे पास टाइम कम है, अभी उसका फोन आ जाएगा इसलिए बोला। अरे भाई तो मैं सोच ही रहा हूँ ना, यहाँ पे खाली तो नहीं बैठा हूँ ना, टाइम लगता है, कोई इंस्टेंट चीज तो है नहीं। नहीं नहीं आप सोचिए मेहता साहब आप सोचिए। अरे भाई वो सोच रहे ना, क्यों उकसा रहे हो मेहता साहब को? ठीक है आराम से सोचिए। अरे आराम से क्या सोचिए, यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास, क्या आराम से सोचिए? ना जल्दी ना आराम से, आपको जैसा सोचना है वैसा सोचिए। अरे जैसा सोचने का क्या मतलब है पोपटलाल, मैं क्या कोई ऐसा वैसा सोचता हूँ क्या भाई? तुम घर जाओ पोपटलाल, तुम घर जाओ। अरे तुम परेशान कर रहे हो मेहता साहब को, वो सोच रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम बार बार, घर जाओ तुम घर जाओ। एक मिनट चिट्ठा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बापू जी क्या? सुनो सुनो सुनो, चाचा जी को आइडिया मिल गया है। सुनो भाई सुनो, मेहता साहब सुनिए, मुझे एक बात बता, भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं नहीं बाबूजी। सर वाह, तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए? वो क्या है ना, हमारे घर पर सब हमारे कंट्रोल में रहेगा ना। सही बात है ना, वो कहीं भाग पाएगा और ना ही किसी को बुला पाएगा। हाँ हाँ बाबूजी ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, लाया बाकी। लेकिन चाचा जी जैसे ही वो भोगीलाल घर पे आएगा उसे पता चल जाएगा कि जेठालाल का घर है, हर तरफ जेठालाल की फोटो लगी हुई है ना। अरे फोटोज तो 2 मिनट में उतर जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वाह वाह बबीता जी वाह। हाँ एक बार जेठा तुम्हारी फोटो यहाँ से हट जाएगी ना तो उसे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर है। लेकिन जेठा तू उसके सामने मत आना, जमीन का सौदा मैं ही करूंगा। नहीं नहीं बापू जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन चाचा जी नहीं। अरे लेकिन नहीं। अरे सुन चाचा जी बोल 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 बोल। चाचा जी अभी आपने जेठालाल से कहा ना कि तुम सामने मत आना, सौदा मैं करूंगा, लेकिन ये भोगीलाल बचाओ का है तो आपको नहीं पहचान लेगा? अरे नहीं नहीं वो मुझे नहीं पहचानेगा, वो क्या है ना भोगीलाल जब 7 साल का था ना तभी उसके पिताजी उसे लेके मुंबई आ गए, उसके बाद वो मुझसे मिला ही नहीं। गुड ये ठीक है, ओके कंटिन्यू। जेठा तू है ना अपने रूम में छुप जाना। जी जी बाबूजी।
दोस्तों कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। अब देखिए भोगीलाल का झूठ भी पकड़ा गया और भोगीलाल जो जेठालाल के पैसे दबा के बेचारा होने का मजबूर होने का नाटक कर रहा था वो राज खुल गया, पर्दाफाश हो गया। लेकिन भोगीलाल कितना भी शात्र क्यों ना सही, वो ये नहीं जानता कि हम गोकुलधाम निवासियों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से भोगीलाल को उस जाल में फंसाया जाए और जेठालाल के पैसे वापस लाए जाए। लेकिन भोगीलाल बहुत ही सतर्क आदमी है, बहुत ही जबरदस्त चालाक आदमी, इसलिए हमें भी बेहद सावधान रहना पड़ेगा। भोगीलाल वो है जो लोगों को अपने जाल में फंसा के उन्हें उल्लू बनाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भोगीलाल जेठालाल की जमीन भी ले ले और पैसे भी वापस ना लौटाए, तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रहिए हंसते। तो ये तय रहा, मैं बापू जी, मेहता साहब, बबीता जी, बैलू बका, ये सब लोग यहाँ रहेंगे। माय डियर जीजा जी, आप वीडियो भाई और सोड़ी आपके रूम में जाकर चुप जाना। शिकार को जाल में फांसने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सब सेट हो गया, बस अब भोगीलाल के आने का इंतजार है। मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी आ गया हूँ। बापू जी, भोगीलाल अपने साथ दो दो बॉडीगार्ड लेके आया है। तुम लोग जल्दी से अभी सब लोग कहीं छुप जाओ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।